स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को कवर करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का बेसिक जो पर्पस है वो ये कि जो आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं उससे आपको ये तो पता चल जाता है कि प्रॉफिट कितना हुआ, लेकिन उससे ये नहीं मालूम होता कि कंपनी के पास किन सोर्सेज से कैश आया है और कहाँ कहाँ कंपनी ने कैश को यूटिलाइज किया। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू आपको ये अंदाज़ा होता है कि कंपनी ने कहाँ से फंड अपने पास जनरेट किया और किन जगह उन्होंने उस फंड को यूटिलाइज किया। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे पास टू डिफरेंट मेथड्स अप्लाई होते हैं। वन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड एंड द सेकंड वन इज डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड ज्यादा पॉपुलर है इसलिए मैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ कि आप उसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकें। बिजनेस में जितनी भी आप एक्टिविटीज करते हैं उसको जब हम कैश फ्लो बनाते हैं तो उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। दी फर्स्ट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दी सेकंड इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड दी थर्ड वन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप एक्टिविटीज को फॉलो करेंगे कि किस तरह से हम उसको क्लासिफाई करते हैं और वो आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मीनिंग लेते हैं हम जो बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेट कर रहा हूँ। तो बिजनेस के ऑपरेशन का मतलब कंपनी सेल करेगी, कंपनी कॉस्ट इंकर करेगी, कंपनी एक्सपेंसेस को पे करेगी और फाइनली कंपनी अपने ईयर की परफॉर्मेंस को प्रॉफिट या लॉस की शक्ल में शो करेगी। तो जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आपको क्वेश्चन में अपीयर होंगी, तो वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि कवर होते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट सबसे आपका टॉप आइटम है वो आपका नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट भी हो सकता है और नेट लॉस भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि कंपनी ने इस साल में प्रॉफिट अर्न किया या लॉस किया। कुछ नॉन फंड एक्सपेंसेस आते हैं। नॉन फंड एक्सपेंसेस का मतलब है कि आप जब एक्सपेंसेस नोट करते हैं तो उसमें कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो जिनमें कैश फ्लो इम्पैक्ट नहीं होता और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें आप कैश की पेमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल रेंट है, सैलरीज है, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ये वो चीज़ें हैं जिनमें आप एक्सपेंस की पेमेंट करते हैं। लेकिन ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस को देखें इसमें कैश की पेमेंट नहीं होती। अगर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हुआ है तो उसमें भी कैश की पेमेंट नहीं होती। एमोर्टाइजेशन का मतलब है कि वो इंटेंजिबल एसेट्स लाइक कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, गुडविल, जिसको आप टाइम के साथ साथ ख़त्म कर देते हैं और उसको एक्सपेंस आउट कर देते हैं, तो उसमें भी आपकी कैश की पेमेंट नहीं होती। तो कंक्लूजन ये दूंगा कि नॉन फंड एक्सपेंसेस में अभी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए तीन हेड ऑफ अकाउंट्स को माइंड में रखेंगे कि अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस गिवन है, एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस गिवन है या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स गिवन है तो ये अपने हेड में आएंगे एंड दिस हेड विल बी कॉल्ड नॉन फंड एक्सपेंसेस। इनमें से अगर कोई चीज़ क्वेश्चन में गिवन होगी तो उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पार्ट के अंदर रखते हैं। जिस तरह नॉन फंड एक्सपेंस पॉसिबल है उसी तरह नॉन फंड गेन भी पॉसिबल है। तो मैं इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दे रहा, सिर्फ एक आइटम इंक्लूड कर रहा हूँ, दैट इज़ गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अगर किसी जगह लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स की जगह गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स है तो वह भी आप इसी तरह नॉन फंड गेन में इंक्लूड कर देंगे। इसके बाद चीज़ें आती हैं जिसे हम कहते हैं चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि अगर आपके पास इन्वेंट्री में कोई चेंज आ रहा है, अगर आपके पास रिसीवेबल में कोई चेंज आ रहा है या आपके पास पेएबल में कोई चेंज आ रहा है, तो ये जो चेंजेस हैं इन चेंजेस को हम वर्किंग कैपिटल के नाम से शो करेंगे और अगर इनमें से कोई आइटम आपको क्वेश्चन में मिलेगा तो वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पार्ट में आएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट एंड टैक्स की पेमेंट अगर क्वेश्चन में आपके पास गिवन होगी तो वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पार्ट में होगी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपके पास ये वो चंद चीज़ें हैं जो कि कॉमनली आपके पास क्वेश्चन में अपीयर हो रही होती हैं। तो जब आप इसको 2-3 टाइम्स रिव्यू करते रहेंगे तो फिर ये आपके माइंड में रहेगा कि अगर इनमें से कोई चीज़ गिवन हो तो उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। जो दूसरी एक्टिविटी है जिसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के नाम से लेते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब है जहाँ फंड अपना फंड इन्वेस्ट करती है और फर्म फिर उनको रिकवर भी करती है।
इसमें परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अगर आता है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज आता है, तो नेचुरली इसमें भी कैश आउटफ्लो होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके बाद कोई इंटरेस्ट डिविडेंड अगर आप रिसीव करते हैं तो उसे भी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के पार्ट में रखते हैं, क्योंकि ये बिजनेस ऑपरेशन का पार्ट नहीं है, ये फर्म इन्वेस्ट करके अर्न कर रही है। तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स अगर इन्वेस्टिंग में होगा तो समटाइम आप अपने ओल्ड आइटम्स को सेल कर देते हैं, तो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स को भी यही रखेंगे। इसके अलावा अगर कंपनी ने किसी और अपनी एसोसिएटेड कंपनी को लोन दिया है तो वो लोन भी उसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। अगर आप गौर से देखें तो ये वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो कि बिजनेस ऑपरेशन का पार्ट नहीं है, बल्कि यहाँ पे आप ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, इससे आप फंड रिकवर करते हैं और इसके थ्रू फिर आप बिजनेस ऑपरेशन पे जा पाते हैं। तो इनको हम सेपरेट रखते हैं, बिकॉज अगर कोई फर्म फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है तो इसका मतलब वो ग्रोथ की तरफ जा रही है, और अगर वो ग्रोथ की तरफ जा रही है तो इसका मतलब फ्यूचर में उसकी सेल्स और इसके एक्सपेंसेस मजीद बढ़ेंगे। तो यहाँ से हमें उसका ट्रेंड पता चलेगा कि कंपनी जो है वो फर्दर अपने बिजनेस ऑपरेशन को एक्सपेंड कर रही है। इसी तरह फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से हमारी मुराद होती है जहाँ से फर्म कैश जनरेट करती है और फिर उन कैश को वो इन्वेस्ट करके यूटिलाइज करती है। इसमें इशू ऑफ शेयर्स आ जाते हैं, अगर कोई लोन आपने बोरो किया वो आ जाएगा, अगर लोन आप वापस रीपे कर देते हैं तो वो भी यहीं रहेगा, डिविडेंड की पेमेंट भी जनरली हम यहीं क्लासिफाई करते हैं, और अगर कंपनी अपने स्टॉक को मार्केट से वापस बाय बैक करती है विच इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रेजरी स्टॉक, तो वो भी आपने यहीं प्लेस करना है। तो इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के इनडायरेक्ट मेथड के जो मेन हेड्स हैं वो एक्सप्लेन किए हैं कि हम उन्हें किस तरह से क्लासिफाई करते हैं और किस तरह से हम उसके ऊपर नज़र रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।